योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है, लेकिन मोहित खान कौन था वो अब आप जान लीजिए। कुछ साल पहले तक मोहित खान एक प्रॉपर्टी डीलर हुआ करता था, छोटे मोटे प्रॉपर्टी का धंधा करता था, फिर वो समाजवादी पार्टी का नेता बन गया। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। रसूख की बदौलत अपनी बिल्डिंग में 2012 में पुलिस चौकी खुलवा लिया, जिसके बाद इलाके में उसकी एक और कमाई भी बढ़ी और दूसरी तरफ इलाके में उसका रसूख भी बढ़ गया, जिसके बाद उसने जमीन कब्जा करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। शमशान की जमीन हो या नजूल की, हर किसी पर मोहित खान की नजर पड़ चुकी थी। सब पर कब्जा करते चला गया, तालाब को पाटकर बेकरी फैक्ट्री लगा दी, दलितों की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, ग्राम सभा की जमीन को कब्जे में लेकर उस पर बाउंड्री वॉल करा दिया। यानी कि सरकारी जमीन को मोहित खान ने अवैध कब्जा कर उसका मालिक बन बैठा और इसीलिए अब उस पर बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या के भदरसा में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर। अंदाजा लगाइए कि ग्राम समाज का जो तालाब होता है, ठीक पीछे आप मेरे ग्राम समाज का तालाब देख रहे हैं, और इस तालाब को बाकायदा पाट लिया गया था, तालाब को पूरी तरीके से पाट के खत्म कर दिया गया था, और इस तरीके के जो बड़ी बड़ी यहाँ पर बाउंड्री वॉल है, इसके जरिए बाकायदा यहाँ पर अवैध निर्माण किया गया था, और इस अवैध निर्माण के जरिए लाखों रुपए की जो रकम है वो डकारी जा रही थी हर महीने। इसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो यहाँ चलना शुरू हुआ है और करोड़ों रुपए की इस प्रॉपर्टी पर फिलहाल बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तालाब से सटी हुई जमीन है, तालाब से सटी हुई जमीन पर पूरी तरीके से जमीन को खाली कराया जा रहा है और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो लागत है वो इस जमीन की बताई जा रही है। पता ये भी चला है कि जो जमीन होती है ग्राम समाज की, उस पे और भी जगह कब्जा है, हरिजन समाज के जो लोग होते हैं उनकी भी जमीन को गलत तरीके से कब्जे में लिया गया है, और इसी वजह से जितनी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी मिली है सारी प्रॉपर्टीज पर इस समय बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। एसडीएम सोहावल अशोक सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई के बारे में बता दें, क्या क्या चीजें निकल के आई हैं अब तक की जांच में? शासकीय जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है, जैसे कि तालाब की जमीन है उस पर निर्माण कर रखा है, और शमशान भूमि है उस पर भी कब्जा तस्दीक हुआ है, हालांकि एक्शन उस पर विशेष है। बाकी जो चक्रोड है, तालाब की जमीन जिसमें आपको बताया है उस पर भी निर्माण चल रहा है, और तो उस पर ये सब एक्शन जारी है और शॉर्टली कंप्लीट भी कर दी जाएगी। सर, ये क्या अंदाजा लग पाया है कि ये जो गलत तरीके से कब्जा किए गए, ये टेन्योर क्या थे, 2010 के थे, 12 से 17 के बीच के थे या कब के थे? ये पुराने प्रकरण है, बहुत पुराने प्रकरण है, उसकी भी आप लोग जांच कर रहे हैं कि कब का ये मामला है? बिल्कुल जांच कर रहे हैं, अभी रिसेंट के तो नहीं है, पुराने हैं, लेकिन काबिज थे ये लोग। दिल्ली के लिए जैसे कि शिकायत भी आ रही है, एससी की जमीने हैं उनका कब्जा कर रखा है। तो राजस्व की टीम है इस समय कुल मिलाकर के सारी जमीनों का लेखा जोखा निकाल रही है, पूरा पूरा जो रिकॉर्ड्स हैं सारे कंगाले जा रहे हैं कि कब कब कब्जा किया गया था, कौन कौन सी जमीन कब्जा की, पास की जमीन कितनी है, प्राइवेट जमीन कितनी है, तो पूरा जो ब्यौरा है वो तैयार किया जा रहा है। अक्सर जमीनें भी सर गलत तरीके से कब्जाई गई हैं, जैसे बैंक तक खुला हुआ है, वो तो साइड में आपने देखा ही है बना है, वो रास्ते की जमीन पर बना है, तो रास्ते की जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा था, सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा था, चक रोड पे कब्जा किया जा रहा था, तालाब की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, शमशान की भूमि पर कब्जा किया जा रहा था, शायद ही कोई ऐसी जमीन बची हो जो मोहित खान ने अपने प्रभाव से, अपने प्रभुत्व से, सरकार की दबंगई से कब्जा न कर रखी हो। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर अब गरज रहा है, अवैध बेकरी तोड़ी जा रही है और जल्द ही बाकी जो प्रतिष्ठान है उनको भी तोड़ा जाएगा और मोहित खान के इस काले साम्राज्य का एक एक सच सामने आएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में घोषणा कर दी है कि आरोपी कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही वजह है कि अयोध्या के भदरसा इलाके में यहाँ के समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोहित खान के अवैध निर्माण पर, काले साम्राज्य पर बाबा का बुलडोजर जम के गरज रहा है। तो मोहित खान जैसे जैसे जमीन पर कब्जा करता गया, इलाके में उसका रसूख जो था, जो दबदबा था, वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। समाजवादी पार्टी ने उसे भदरसा नगर का अध्यक्ष भी बना दिया। उसे समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का राइट हैंड माना जाता है। उसके रसूख का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जब नाबालिग रेप पीड़िता की मां उसके खिलाफ शिकायत करने भदरसा पुलिस चौकी पहुंची तो पुलिस ने FIR तो दूर, वो छोड़ ही दीजिए, कंप्लेन तक दर्ज नहीं की। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे में वो अगर सरकारी या नजूल की जमीन कब्जा करता तो उस पर कौन उंगली उठा सकता था। लेकिन सीएम योगी का फॉर्मूला एकदम क्लियर है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, और यही भदरसा मोहित खान की जमीन पर हुआ। उसके अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया, यहां तक कि जो पुलिस थाना था उसे भी अब शिफ्ट कर दिया गया है, जो मोहित खान के ही घर पर चल रहा था।
ग्राम समाज की जमीन हो, शमशान की जमीन हो, चक्रोड की जमीन हो या कोई भी सरकारी जमीन हो, सभी जमीनों पर आरोपी मोहित खान ने गलत तरीके से कब्जा कर रखा था। और यही वजह है कि जब ग्राम समाज की तरफ से नपाई हुई, सरकारी विभाग की तरफ से नपाई हुई, एसडीएम सुहावल की तरफ से नपाई हुई, लेखपाल की मौजूदगी में नपाई हुई, तो पता चला कि किस तरीके से, देखिए, तालाब की जमीन को गलत तरीके से, पूरी तरीके से पाटा गया था, अवैध निर्माण किया गया था बेकरी के तौर पर, और कैसे बाकायदा जहां पर इसमें देखिए जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो खड़े हुए हैं। इस पूरी जमीन को मोहित खान ने अपने प्रभाव में ले लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था। और उसके ठीक पीछे की जो आप जमीन देख रहे हैं ये कमर्शियल जमीन है, कमर्शियल जमीन को भी किस तरीके से कब्जे में लिया गया था, उसमें सरकारी बैंक शामिल किया गया था और 10 मीटर जो सरकारी जमीन होती है, रोड होती है, चक रोड होती है, उसका इस्तेमाल कर लिया गया था। फिलहाल अब जेसीबी यहां पर लग गई है, तालाब से सटी हुई जो भी जमीन है सरकारी उसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। और जेसीबी इस समय आप देखिए किस तरीके से वार कर रहा है, किस तरीके से प्रतिवार कर रहा है, और जो बाउंड्री वॉल की गई थी अपने कब्जे को दर्शाने के लिए, उस कब्जे को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जा रहा है जेसीबी के द्वारा, यानी कि बुलडोजर के द्वारा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में ही साफ कहा था कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, सख्त कार्रवाई होगी, कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी क्रम में आप देखिए कि जो अवैध निर्माण था, जिस तालाब को पाटा गया था, वो अवैध निर्माण तोड़ के जेसीबी से नेस्तनाबूद किया जा रहा है और उसी तालाब में इसको फेंका जा रहा है, जिस तालाब को दरअसल सरकारी गलत तरीके से कब्जा करने की कोशिश की गई।